क्लास फोर्थ आपका जो भी पेज नंबर 28 की जो एक्सरसाइज है वो जो छूट गई है, अगर आप चाहते हैं तो यू कैन कंप्लीट फ्रॉम हियर, बिकॉज कुछ वीडियोस में हमें बोला था कि किसी ने बोला था कि कुछ एक्सरसाइजेज उनकी नहीं हो पाई हैं, तो वो आप एक्सरसाइज यहाँ से कर सकते हैं. तो ओके देन आई एम जस्ट गोइंग टू रीड इट एंड यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज यहाँ पे स्पेस इतनी कम होती है कि आप बहुत क्लियरली या बहुत अच्छे से नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज प्लेस की थोड़ी यू कैन से शॉर्टेज होती है. तो आप यहाँ पे हम बोलते जाएंगे, आप उसको ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड देन यू जस्ट राइट बाय योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू योर राइटिंग. अब हम यहाँ पे बोलते हैं फ्रेम सूटेबल क्वेश्चंस फॉर द आंसर्स गिवन बिलो. यहाँ पे आपको फ्रेम करने हैं क्वेश्चंस, खुद से बनाने हैं, आंसर्स नीचे दे रखें और यू हैव टू फॉर्म द क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ नाउ. तो सबसे पहला ए का पार्ट है जहाँ पे वो आपका ये विंटर्स टेल का जो 28 पेज की एक्सरसाइज है जिसमें फ्रेम सूटेबल क्वेश्चंस फॉर द आंसर्स गिवन बिलो, इसमें आंसर्स आपके दे रखे हैं एंड यू हैव टू फॉर्म द फ्रेम द क्वेश्चंस और यू हैव टू फॉर्म द क्वेश्चंस. सो नाउ हियर, व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेस वेयर विंटर वाज रेस्क्यूड. तो यहाँ पे वो क्या उस प्लेस का क्या नाम था जहाँ पे विंटर को बचा के लाया गया था, रखा गया था, तो उसका नाम था क्लियर वाटर मैरन एक्वेरियम. तो आपका व्हाट वाज द नेम, आई एम जस्ट रिपीटिंग द क्वेश्चन बिकॉज इट मे बी पॉसिबल दैट यू मे नॉट एबल टू अंडरस्टैंड माय राइटिंग, सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट सेंटेंस व्हाट आई हैव रिटन हियर ना हियर. सो जस्ट लिसन इट केयरफुली सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट. व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेस, व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेस वेयर विंटर वाज रेस्क्यूड. तो इसका आंसर नीचे लिखा है ऑलरेडी, क्लियर वाटर मैरन एक्वेरियम. तो ये आपका ए पार्ट हो गया. देन बी आपका आता है हु हैड गिवन द विंटर अ प्रोस्थेटिक टेल. तो किसने दिया था विंटर को प्रोस्थेटिक टेल, कैल्विन कैरोल ने दिया था. तो इसका जो क्वेश्चन बनेगा हु हैड गिवन द विंटर अ प्रोस्थेटिक टेल. फिर आपका जो इसका आंसर हो गया था कैल्विन कैरोल थे, आपका बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया. नाउ सी पार्ट जो है इसमें आप बोलते हैं कि विंटर आपका आंसर लिखा हुआ है सी का, और इसमें आप क्वेश्चन बनाएंगे व्हाट वाज द नेम, व्हाट वाज द नेम गिवन टू 3-month-old डॉल्फिन. क्वेश्चन मार्क आपको हर क्वेश्चन के बाद लगा देना है. तो व्हाट वाज द नेम गिवन टू 3-month-old डॉल्फिन विंटर. तो इसका आंसर जो होगा वो विंटर ही होगा, as already answer has to come this only. So now D part, आपका Dan answer लिखा है इसमें. तो who was the person, comma, worked with Carol in prosthetic tail. वो कौन person था जिसने Carol के साथ work करा था साथ में, तो वो Dan थे. अब विंटर जेल आपका ई पार्ट का जो आंसर है वो विंटर जेल है, विंटर्स जेल है. तो यहाँ पे आप क्वेश्चन बनाएंगे व्हाट वाज अ प्रोडक्ट, वो क्या प्रोडक्ट था मेड टू हेल्प विंटर, जो बनाया गया था विंटर को मदद करने के लिए वियर हर न्यू बॉडी पार्ट ईजी, जो अपनी न्यू बॉडी पार्ट को जो उसमें टेल जोड़ी जाती उसके अकॉर्डिंग टू उसके बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग. तो वो क्या था ऐसा प्रोडक्ट, उसका नाम क्या था. तो नाम में तो लिखा है विंटर जेल, तो आपको क्वेश्चन फॉर्म करना है. तो क्वेश्चन आप बनाएंगे व्हाट वाज द प्रोडक्ट मेड टू हेल्प विंटर बियर हर न्यू बॉडी पार्ट ईजली, क्वेश्चन मार्क आप यहाँ पे लगा देंगे सारे क्वेश्चंस में. देन आप नीचे आ जाते हैं नंबर टू पे, यहाँ पे आपको नोट डाउन, इसमें आपको थ्री थिंग्स जो हैं डैट कैरोल एंड डैन डिड, जो कि उन्होंने किया था विंटर को एक टेल देने में, वो क्या ऐसी तीन चीज़ें उसने कैरोल एंड डैन ने करी थी विंटर को टेल देने में, मतलब उसको एक उसकी विंटर जो डॉल्फिन थी उसकी टेल देने में उन दोनों ने क्या वो वर्क करे थे. तो फर्स्ट आपका ए पार्ट है दे वर्क विद एन इंजीनियर, दे वर्कड विद an engineer to develop a new material named winter's gel that helped the winter to bear his body part easily. इन्होंने क्या करा था, पहले तो इन्होंने दे वर्कड, उन्होंने साथ में एक इंजीनियर के साथ वर्क करा था, साथ में काम करा था,
एक न्यू मटेरियल बनाने का जिसका नाम था विंटर्स जेल, डैट जिसने हेल्प करी थी विंटर को उसकी न्यू बॉडी पार्ट ईजली मतलब जो उसको विंटर को टू बियर मतलब उसकी जो नया पार्ट जो लगने जा रहा था उसमें उसकी बॉडी पार्ट्स को ईजली बियर करने में उसको सहने में मतलब उसको उठा उसका जो वेट है उसको उसको सह लेने में विंटर जेल ने मदद करी थी। मतलब अगर आपके बॉडी पार्ट में कोई न्यू पार्ट जोड़ा जाता है तो तब वो किस वे से वो रुका रहेगा, वो कोई ऐसी चीज़ आप करेंगे ना कि उसको मतलब वो इजी वे में उसमें से उसकी आपकी बॉडी पार्ट से जुड़ा रहे, तो इन द सेम वे वो एक विंटर मतलब विंटर्स का जेल था जो कि यूज़ किया गया था उसकी बॉडी पार्ट के लिए कि वो उसकी बॉडी में उसको बियर करने में मतलब जो उसमें जोड़ी जा रही है उसको उसको सह लेने में मतलब उसको उसका जो वेट है उसको वो इजी वे में उसको सह ले मतलब उसको उठा सके उस वेट को जो टेल नहीं उसमें जोड़ी जाती तो उस टेल को इजी वे में वो किस तरह से कर सकती थी जब उसकी जो वो टेल है वो उसमें बिल्कुल अच्छे से जुड़ जाए। तो यहाँ पे जो आपका जेल था डैट इज़ आपका विंटर्स जेल था उसने उसको मदद करी थी उसके बॉडी पार्ट को बियर हिज बॉडी पार्ट ईजली। अब द टीम जो थी बी पार्ट में आप लिखेंगे द टीम बिगेन प्रिपेयरिंग उसने शुरू कर दी थी फॉर हर न्यू प्रोस्थेटिक। फर्स्टली दे स्टार्टेड विद स्मॉल टेल पहले तो उन्होंने एक छोटी सी टेल से शुरू करा था सो शी कुड स्लोली बिकम यूज टू इट। उन्होंने टीम ने एक चीज़ करना शुरू कर दी प्रिपेयरिंग फॉर हर न्यू प्रोस्थेटिक उन्होंने उसके लिए एक न्यू नया जो आर्टिफिशियल जो मतलब उसके लिए आर्टिफिशियल चीज़ बनानी शुरू कर दी थी इसके लिए। एंड फर्स्टली उन्होंने क्या किया था इस चीज़ को पहले उन्होंने बहुत छोटी टेल से शुरू करा था पहले उन्होंने छोटी आर्टिफिशियल टेल को जोड़ा था उसके बाद उन्होंने फिर उसमें उसके वे बॉडी के अकॉर्डिंग जो उसका वेट था उसके अकॉर्डिंग उसने उन लोगों ने एक टेल बनाई थी जिसको फिर बाद में जोड़ा गया था। पहले क्योंकि यूज्ड टू होने के लिए उन्होंने एक छोटी टेल से स्टार्ट करा था जिससे कि वो उस आर्टिफिशियल टेल की यूज्ड टू हो जाए। देन आपका जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है ओवर द कोर्स ऑफ अ ईयर एक साल का जो पीरियड था उसमें द टीम ग्रेजुअली इंक्रीज द साइज और इस पीरियड में जो टीम थी उसने ग्रेजुअली धीरे धीरे जो था साइज़ को इंक्रीज किया था और टू मैच हर विद 230 पाउंड बॉडी मतलब 230 पाउंड बॉडी को उससे मैच करने के लिए उसने मतलब उनकी जो टीम थी उन्होंने धीरे धीरे इस चीज़ का प्रयोग करा और उसको 230 तक बाद में उसकी बॉडी के 230 पाउंड की बॉडी के लिए उस साइज़ को उन्होंने धीरे धीरे बढ़ाया था टेल की साइज़ को। फिर उसके बाद दीज आर यहाँ पे स्टॉप कर देंगे बॉडी के बाद देन दीज आर सम ऑफ द वर्क ये कुछ वर्क थे जो कैरोल एंड डैन ने किए थे टू गिव विंटर अ टेल विंटर को एक टेल देने के में। तो यहाँ पे आपके ये जो पार्ट है दैट इज़ 1 और 2 जो है वो कंप्लीट होता है। जिस भी बच्चे का क्लास 4th में ये चीज़ छूट गया है दे कैन डू इट तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बार हम फिर से इसको रिपीट कर देते हैं आपके हम पढ़ देते हैं 2 को जो आपका सेकेंड पार्ट है नोट डाउन 3 थिंग्स दैट कैरोल एंड डैन डिड टू गिव विंटर अ टेल दे वर्क विद एन इंजीनियर टू डेवलप अ न्यू मटीरियल नेम्ड विंटर्स जेल डैट हेल्प द विंटर टू बियर हिज बॉडी पार्ट ईजली। देन बी पार्ट आपका आता है द टीम बिगेन प्रिपेयरिंग उसने शुरू कर दिया था प्रिपेयरिंग करना फॉर हर न्यू प्रोस्थेटिक एक न्यू नया प्रोस्थेटिक। फर्स्टली कॉमा करेंगे प्रोस्थेटिक के बाद फिर आप लिखेंगे फर्स्टली दे स्टार्टेड विद स्मॉल टेल सो शी कुड स्लोली बिकम यूज टू इट। देन आफ्टरवर्ड्स ओवर द सी पार्ट जो आता है आपका ओवर द कोर्स ऑफ अ ईयर द टीम कॉमा करेंगे ओवर अ कोर्स ऑफ अ ईयर के बाद कॉमा द टीम ग्रेजुअली इंक्रीज्ड द साइज ऑफ द टेल टू मैच हर विथ 230 पाउंड बॉडी और स्टॉप यहाँ पे कर देंगे। और ये सब ये कुछ फीचर्स है दीज आर सम ऑफ द वर्क कैरोल एंड डैन डिड टू गिव विंटर अ टेल। सो हियर आई थिंक कि जिन भी बच्चों का ये पार्ट छूट गया है वो आप कर सकते हैं और सो क्लास
गुड बाय देन क्लास फोर्थ, आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर.